हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वी गाइड। इस चैनल में हम मेनली स्कूल गोइंग किड्स को इंग्लिश का कुछ गाइडेंस हम देंगे। मेनली यहाँ पर अभी ये प्रॉब्लम आ रही है कि कोरोना की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ओके, तो हम घर बैठ के उनको ये नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि मेरा ये जो लेक्चर है वो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल जस्ट स्टार्ट विद चैप्टर विच इज इन द सिलेबस ऑफ क्लास टेंथ। ओके, क्लास टेंथ एनपी बोर्ड का ये सिलेबस है, चैप्टर नंबर 1 विच इज विल। ओके, गुडविल। तो गुडविल से हम क्या समझते हैं? गुडविल मतलब वो नाम, वो शोहरत, वो इज्जत जो कि आप एक सोसाइटी में कमाते हैं, इट इज़ कंसीडर्ड एज गुडविल। ओके, गुडविल इट इज़ अ पार्ट विच इज़ टेकन फ्रॉम यजुर्वेदा। ओके, आपको मालूम होगा कि हमारे साहित्य में, हमारे हिस्ट्री में 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो गुडविल जो है बच्चों, वो मेनली यजुर्वेद से लिया गया है। इस पूरे के पूरे अगर आप पोयम में, या फिर हम इसको हिंदी में चौपाई कहते हैं, तो अगर आप इस पर देखेंगे तो इसमें कुछ चीज़ों के बारे में बोला गया है। मैं आपको इसमें इस पर्टिकुलर वीडियो में एक शॉर्ट समरी ज़रूर देता हूँ इसका। तो पर्टिकुलरली इसमें बोला गया है पियरलेस स्पिरिट। ओके, तो पियरलेस स्पिरिट कंसिडर्ड एज प्योर स्पिरिट। ओके, जिसको हम कहते हैं शुद्ध आत्मा, निर्मल आत्मा। उसके बाद बोला गया है डेथलेस नेम, अ फ्लेम विच नेवर डाइज। ठीक है, तो बच्चों इसमें एक और चीज के बारे में बोला गया है। अगर आप इसके इस पूरे पोएम को अगर हम देखते हैं तो इसमें एक और चीज़ बोला गया है विच इज नोन एज और विच यू कैन टेल एज कर्म। ओके, चलें कर्म। अब कर्म क्या होता है? मेनली जो हम कर्म करते हैं, ऐसा बोला जाता है कि इस संसार में, इस विश्व में, इस यूनिवर्स में जिस तरीके का हम कर्म करते हैं, हमको इन रिटर्न वही चीज़ मिलती है। What we do, we get it as return. तो जिस तरीके का हम कर्म करते हैं, हमको in return, हमको वही चीज़ हमको वापस मिलती है। So the thing is, अगर आपके कर्म अच्छे होंगे, अगर आपने किसी को धोखा नहीं दिया होगा, या किसी को betray नहीं किया होगा, या किसी को आपने cheat नहीं किया होगा, definitely you will get a good result of it. And opposite to that, अगर आपने किसी को चीट किया है, या अगर आपने किसी को बिट्रे किया है, अगर आपने किसी को धोखा दिया है, तो आपका उसका बैड रिजल्ट्स मिलेगा। बट हियर इन दिस गुड विल इट इज़ कंसिडर्ड एज दैट योर स्पिरिट, जो हमारी आत्मा रहती है या जिसको हम अपनी अंतरात्मा बोलते हैं, इट इज़ कंसिडर्ड एज वेरी मच प्योर। हमारी जो स्पिरिट रहती है वो बिल्कुल निर्मल रहती है, बिल्कुल शुद्ध रहती है। ठीक है, छल कपट जो रहता है वो बेसिकली हमारे इस माइंड का खेल रहता है। ठीक है, बट हमारी जो स्पिरिट रहती है वो बिल्कुल निर्मल रहती है, वो बिल्कुल शुद्ध रहती है। ठीक है, ऐसा बोला गया है कि स्पिरिट जो रहता है वो जब इंसान का ये शरीर खत्म हो जाता है, तो स्पिरिट क्या करता है कि इस शरीर को छोड़ करके किसी नए शरीर में चला जाता है। और स्पिरिट तब तक एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है जब तक कि उसको परम शांति नहीं मिल जाए, एक्सट्रीम पीस जिसको हम बोलते हैं। तो स्पिरिट को जब तक परम शांति नहीं मिल जाए, तब तक वो क्या करता है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोल। ठीक है, तो बच्चों ऐसा बोला गया है कि आप अगर अपने कर्म अच्छे करोगे, ठीक है, तो किस तरीके से आप कर्म अच्छे करोगे? फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के साथ चीटिंग नहीं करोगे, आप किसी को धोखा नहीं दोगे,
आप किसी को किसी तरीके का बिट्रे नहीं करो, ठीक है, आप अपने कर्म अच्छे रखो, तो डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड लाइफ, अ बेटर लाइफ, ठीक है, बिकॉज जो आप कर्म करते हो आपको इन रिटर्न जो है वो वही चीज़ आपको वापस से मिलती है. क्लियर विद दिस? ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ बोला गया है कि हमारा जो माइंड है वो क्या करता है, हमारे फ्लैशली डिज़ायर को कंट्रोल करता है. अब यहाँ पर एक टर्म आता है, फ्लैशली डिज़ायर्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फ्लैशली डिज़ायर्स? फ्लैशली डिज़ायर्स मेनली ये चीज़ रहती है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सांसारिक सुख, ठीक है, मटेरियलिस्टिक लाइफ भी हम उसको बोल सकते हैं, जो कि हम बेसिकली एंजॉय करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, सांसारिक सुख जिसको हम भोग करना चाहते हैं, ठीक है. कई बार ये रहता है कि इसी सांसारिक सुख, जिसमें कि पैसा, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, सोना, कपड़े, वस्त्र, ये सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड रहती है, इसको हम एंजॉय करने के लिए गलत ट्रैक का भी यूज़ करते हैं या फिर गलत बात का भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है. बट यहाँ पर अगर हमको पर्टिकुलरली वेदों का नॉलेज रहता है या कर्म का अगर हमें नॉलेज रहता है या हमारे संस्कार या हमारी शिक्षा या हमारा अगर गुडविल अच्छा रहता है, तो हमारा माइंड क्या रहता है कि इन तरीके की फ्लैशी डिज़ायर्स को कंट्रोल करता है. आवर माइंड कंट्रोल्स आवर फ्लैशी डिज़ायर्स. तो एक्चुअली इट इज़ सेड दैट व्हेन योर माइंड कंट्रोल्स योर फ्लैशी डिज़ायर्स, देन डेफिनेटली यू विल गेट अ प्रॉपर गुडविल. द सोसाइटी विल प्रेज यू, द सोसाइटी विल प्रेज योर गुड वर्क एज वेल. ओके, सो दिस इज़ द समरी ऑफ दिस चैप्टर. आई होप आपको ये समरी जो है वो समझ में आई होगी. अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज़ वी गाइड.